हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वैकेंसी आ चुकी है आपकी पीजीटी के लिए, प्रवक्ता के लिए। यदि आप सभी लोग जो इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, और जिसको भी फॉर्म फिल करना है अपना फॉर्म फिल कर सकता है। तो डेट दी हुई है, जो ये डेट दी हुई है आपकी, वो दी है आपका, तो ये डेट दी हुई है, आ गई है, कल की डेट है आपकी, कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो पंजीकरण का जो प्रारंभ डेट है वो आपकी है 9 से स्टार्ट है, और फीस सबमिट की भी डेट आपकी 9 से ही स्टार्ट है। तो ये जो प्रक्रिया है आपकी फॉर्म फिल करने की, 1 मंथ चलेगी। तो पंजीकरण की जो लास्ट डेट दी है इन्होंने, वो 3/7/2022 दिया हुआ है, और फीस सबमिट करने की ऑनलाइन डेट है इनकी 6/7/2022। ठीक है, और ऑनलाइन जो फॉर्म आपको सबमिट करना है, लास्ट 1 मंथ का, मैंने कहने का जैसे कि मतलब है कि 1 मंथ आपको पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आ चुकी है, बाकी आपका ये डिटेल पूरा दिया है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपना फॉर्म वगैरह फिल करिए। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी आप क्या वैकेंसी हैं, यदि वैकेंसी देखना चाहते हैं तो वैकेंसी जो आपकी हैं सब्जेक्ट वाइज दी हुई हैं, उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। तो अभी बीच में आ रहा था कि आपका जो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय के इंटरव्यू नहीं होगा, तो ऐसा इसमें अभी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं दी हुई है कि आपका जो इंटरव्यू है नहीं होगा। इसमें दिया हुआ है पूरा, ये सब्जेक्ट देखिए दिया हुआ है, सोशियोलॉजी के जो आपके सीटें हैं आपकी, सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र की, जनरल के लिए हैं 15, 15, और OBC के लिए 3 हैं, सी के लिए हैं 4, और आपका ST के लिए कोई शीट नहीं है। ठीक है, बाकी इस तरीके से सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, बाकी टेलीग्राम पे ये PDF मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप पूरा चेकआउट कर लीजिएगा जिसका जो सब्जेक्ट हो बाकी। और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यदि PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं NTNET की, तो चैनल से जुड़ सकते हैं आप, क्लासेस रेगुलर आएंगी आपकी, MCQs भी सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ जो इसकी प्रक्रिया के बारे में, जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला था कि मैं बता दूँ कि इसमें कैसे क्या चीज़ें होंगी। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से जो चीज़ें आपकी क्रियान्वित हो रखी थी 1998 से, वही अभी लागू हैं। तो आपका जो लिखित पेपर होगा वो 85% होगा, और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 10% का रहेगा। ठीक है, बाकी आपके जो वेटेज रहेंगे उस हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। BEd का वेटेज रहता है, और भी जो आपके BEd या फिर खेल कूद से रिलेटेड रहते हैं उसमें परसेंटेज आपको मिल जाते हैं पॉइंट, तो वो रहेगा आपका वेटेज। तो इसमें आपका लिखित का देखिए यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि 450 का होगा, और बाकी 50 का आपका इंटरव्यू होगा साक्षात्कार। ठीक है, टोटल आपके 500 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।